लालू यादव के भी जितने भी दोनों बेटा हैं शिक्षित तो हैं नहीं, एक मैट्रिक फेल हैं और वो दूसरा भी बहुत तो इंटर किए हुए हैं और एक को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है। मुख्यमंत्री पढ़े लिखे कौन है जो विकास कर सके, ना कि सिर्फ जुमलेबाजी करके फिर गायब हो जाए। भाजपा सरकार अगर अकेले बनाती है तो वो काम करेगी, क्योंकि भाजपा ने जहाँ भी अकेले सरकार बनाया है वहाँ पे काम किया है। क्या लग रहा है कौन सा युवा नेता बढ़िया हो सकता है बिहार के लिए? ओनली एंड ओनली तेजस्वी यादव। प्रश्न जी हमसे पूछा जाए तो चिराग पासवान अच्छे रहे। चिराग पासवान अच्छे हैं, अच्छा कर। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और अच्छा सोच रखते हैं, उनको काम करना चाहिए और उनका समर्थन हम मेरा भी रहे। नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है और आप DTW24 न्यूज देख रहे हैं। बिहार की राजनीति ऐसे तो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार में कहीं ना कहीं उलझी हुई थी, लेकिन अब इस साल विधानसभा में कई युवा चेहरा भी निकल के सामने आ रहे हैं। तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और हाल ही में लोकप्रिय हुई पुष्पम प्रिया चौधरी। अब हम कुछ स्टूडेंट्स के साथ हैं जो युवा हैं और इस बार विधानसभा में युवा कितने ज़्यादा जो हैं वो निखर के बाहर आएंगे इस बार के विधानसभा चुनाव में, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं। इनसे बात करके जानते हैं कि कौन सा ऐसा युवा नेता है जो बिहार का नेतृत्व अच्छे तरीके से कर सकता है या मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार हो सकता है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम अर्णवरी है जी। आपको क्या लगता है कौन सा युवा नेता जो है वो बिहार के लिए बढ़िया कर सकता है? मुझे तो लग रहा है ये सब में से तेजस्वी और चिराग पासवान तो दोनों फैमिली वादे नेपोटिज्म के हैं, कभी कुछ करते नहीं हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि रामविलास पासवान के जो सांसद हैं इस बार सब उसके फैमिली से ही हैं। उसी प्रकार लालू यादव के भी जितने भी दोनों बेटा हैं शिक्षित तो हैं नहीं, एक मैट्रिक फेल हैं और वो दूसरा भी बहुत तो इंटर किए हुए हैं और एक को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है और दूसरे को शिक्षा मंत्री, जो कि कुछ किए नहीं हैं। इस हिसाब से मुझे लगता है कि पुष्पम प्रिया चौधरी ही सबसे ठीक है। पुष्पम प्रिया चौधरी विकल्प हो सकती है, कैसा काम कर रही है अभी वो? कितना जानते हैं आप पुष्पम प्रिया चौधरी को? मैं उन्हें ट्विटर, इंस्टाग्राम हर जगह फॉलो करता हूं। वो हर जगह जा के शायद कुछ कुछ अच्छा काम कर रही है, बाकी दोनों से मुझे नहीं लगता कुछ कर पाएंगे। मतलब आपको पुष्पम प्रिया चौधरी पसंद है। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम महमूद है। आपको क्या लगता है कौन सा युवा नेता अच्छा हो सकता है बिहार के? हम बोलेंगे निर्दलीय को ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि जितने भी नेता आते हैं ना मिलकर और जिसपे क्राइम ना हो इस टाइप का नेता को चुनना चाहिए। आपको क्या लगता है? वही तो हम पूछ रहे हैं कि क्योंकि नीतीश कुमार को कहा गया कि उनके शासन में शिक्षा बर्बाद हो गया, लालू यादव के राज में कहा गया था कि जंगल राज था, बहुत क्राइम हुआ। कि नीतीश कुमार के पास अभी ज़्यादा वोट हैं अभी भी, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ युवा नेता कौन बढ़िया हो सकता है? तेजस्वी, चिराग पासवान, पुष्पम प्रिया चौधरी, कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार को जानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल जानते हैं। तो कन्हैया कुमार के बारे में क्या कहते हैं? वो तो इस बार विधानसभा का थोड़ी ना लड़ेंगे, वो तो मतलब लड़ेंगे नहीं, युवा चेहरा बन सकते हैं। मतलब बिल्कुल बिल्कुल बन सकते हैं, क्यों नहीं। और इस बार क्या लग रहा है? स्टूडेंट को देना चाहिए जो अच्छा हो, जिसपे क्रिमिनल कोई केस नहीं हो। अगर पार्टी बोले तो अच्छा पार्टी को वहाँ पे देखना चाहिए, पढ़े लिखे कौन है जो विकास कर सके, ना कि सिर्फ जुमलेबाजी करके फिर गायब हो जाए। नीतीश कुमार से खुश हैं आप अभी जो मौजूदा जो हमारी सरकार है उनसे? उतना भी खुश नहीं है। उतना भी खुश नहीं है, बिल्कुल। मेरा नाम ऋषभ सिंह है। आपको क्या लगता है कौन सा युवा नेता बढ़िया हो सकता है इस बार? जैसे मैं तो एक बात यही बोलना चाहूँगा कि क्योंकि यहाँ हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो युवा में आता है, तो किसी भी हाल में अगर युवा अगर आगे बढ़ता है तो वही सबसे ज़्यादा देश को आगे बढ़ा सकता है। तो अगर युवा चेहरा का बात किया जाए तो अगर तेजस्वी यादव जो है वो और एक हमारे कन्हैया कुमार जी जो JNU से हैं, वो दोनों का मतलब कि मेरे को लगता है ना कि वो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं। क्योंकि कन्हैया कुमार जी का अगर आप देखिएगा तो स्टेटमेंट उनका बहुत स्ट्रांग होता है, उनका टॉपिक बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। और तेजस्वी यादव का बोला जाए तो वो थोड़े से शांत मिजाज के दिखते हैं, ठीक है। उनका फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा है, ठीक है, और उनमें थोड़ा सा दमखम है फैमिली बैकग्राउंड की वजह से कि वो किसी भी चीज़ को संभाल सकते हैं, स्थिति को संभाल सकते हैं। जैसे अगर युवा है लेकिन अगर उसके पास सपोर्ट है ऐसा जिससे वो बाकी चीज़ों को भी संभाल सके तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि ऊर्जा और तजुर्बा साथ हो जाएगा। सही बात है। तो अच्छा, पुष्पम प्रिया चौधरी को जानते हैं? उनके बारे में अभी तो नहीं जानते। अभी नहीं जानते? नहीं। नाम वाम सुने हैं? बस नाम सुने हैं, बट उनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते। उज्जवल कुमार शुक्ला। क्या लग रहा है कौन सा नेता बढ़िया हो सकता है युवा नेता? देखिए, नेता तो हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि बिहार में जो नेता हैं वो लोग जिसका हम लोग नाम जानते हैं उतना तो अच्छा कोई नहीं है, लेकिन अगर भाजपा सरकार अगर अकेले बनाती है तो वो काम करेगी, क्योंकि भाजपा ने जहाँ भी अकेले सरकार बनाया है वहाँ पे काम किया है। और किसी भी राज्य में देख लीजिए, गुजरात हो या झारखंड ही हो, पिछले बार काम किया था यहाँ पर, जो उत्तर प्रदेश में भी योगी जी ने काम किया है,
क्योंकि बिहार में इसलिए काम नहीं होता है कि देखिए भाजपा उसके साथ है, भाजपा यहाँ सरकार में है, लेकिन नीतीश चाचा का कोई भरोसा नहीं रहता है, कभी इधर चले जाएंगे कभी इधर आ जाएंगे, इसलिए भाजपा। हम आपसे नीतीश कुमार और लालू यादव से हट के बात कर रहे हैं, एकदम फंस गया है उन लोग में राजनीति। नया चेहरा में आपको कौन विकल्प लगता है? नया चेहरा में एक पुष्पम प्रिया चौधरी एक नाम है जो कि हो सकता है। कितना जानते हैं आप पुष्पम प्रिया चौधरी, मतलब क्या क्या जानते हैं, कितना काम? मतलब उनका पार्टी है द प्लूरल्स, द नहीं प्लूरल्स है, प्लूरल्स पार्टी है। हाँ। तो अभी ये सब फेसबुक पर हम भी उनके मतलब उनको मतलब पसंद करते हैं, सब कुछ काम करती है, जो हर घर गांव में जाकर घूम घूम के बताती है उनको और जागरूक करती है लोगों को, तो सब देखते हैं। मतलब वो अच्छा कर सकती है बिहार के लिए? क्या लग रहा है आपको, कौन सा युवा नेता अच्छा कर सकता है बिहार के लिए? युवा नेता वो अच्छे होंगे जो पढ़े लिखे हों और राजनीति के लिए एजुकेशन भी मायने नहीं रखता है। जैसे बगल वाले बोल रहे थे कि कोई 9वीं पास है 10वीं पास है, अगर यही रहता तो हमारे जो संविधान निर्माता हैं उन्होंने जब 1950 में संविधान बन रहा था उसी के आसपास एजुकेशन को डाल दिया जाता है, जो एजुकेटेड होंगे वही आएंगे। तो फिर आज एजुकेशन मायने रखता है लोगों के लिए, 60 और 70 के दशक में तो एजुकेशन मायने ही नहीं रख रहा था, तो नॉर्मल इंसान आज कोई राजनेता ही नहीं होता अभी तक। एजुकेशन ना अभी भी मायने रखता है, जो अच्छे विचार के हों, जिनके मन में भावनाएं अच्छी हों जनता के। आपकी नज़र में युवा चेहरा है कोई जो अच्छा कर सकता है बिहार के लिए? अगर मैं आपको ऑप्शन दूँ तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, पुष्पम प्रिया चौधरी, कन्हैया कुमार, तो कौन अच्छा लगता है आपको, मतलब कौन अच्छा कर सकता है? अच्छा इसमें से मुझे कोई नहीं लगता, नहीं। सत्येंद्र कुमार पांडे। क्या लग रहा है आपको, कौन सा युवा नेता बढ़िया कर सकता है बिहार? युवा कहने का मतलब युवा केवल नेता उम्र से या अनुभव में या काम से? ऑप्शन दे दो चार, तो पुष्पम प्रिया चौधरी का नाम सुने आप, पुष्पम प्रिया चौधरी, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, कन्हैया कुमार, कौन चेहरा बन सकता है? अगर पर्सनली हमसे पूछा जाए तो चिराग पासवान अच्छे रहे। चिराग पासवान अच्छे हैं, अच्छा कर, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और अच्छा सोच रखते हैं, उनको काम करना चाहिए और उनका समर्थन मेरा भी रहेगा। ये हमको तो सबसे अच्छा नेता कन्हैया कुमार लगता है। कन्हैया कुमार अच्छे लगते हैं, उसका विचारधारा अलग है, अपनी विचारधारा के कारण हुआ मान लीजिए कि बहुत अच्छा नहीं कर सके, लेकिन नेता बहुत अच्छा है, अपनी बात को बहुत सटीक ढंग से रखता है, लोगों को समझाता है बुझाता है, उसके इतना अच्छा नेता युवा नेता में कोई नहीं है। विजय कुमार। क्या लग रहा है कौन सा युवा नेता बढ़िया हो सकता है बिहार के लिए? ओनली एंड ओनली तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगार का, 15 साल अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया लेकिन युवाओं के लिए कोई काम नहीं किया। यहाँ जो भी एग्ज़ाम हुआ, चाहे दरोगा का एग्ज़ाम ले लीजिए, चाहे टीचर का एग्ज़ाम ले लीजिए, चाहे जो भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम हुआ, जितना बार स्टूडेंट एग्ज़ाम नहीं दिया है उतना बार उसको सिर्फ दोबारा एग्ज़ाम के लिए दौड़ना पड़ा, हर बार कहीं कोर्ट का चक्कर। अभी हाल ही में जो STET का मुद्दा था, वो एग्ज़ाम आपको लिया गया 28 जनवरी को और जब वहाँ के जब मतलब फिर उसके बाद वो एग्ज़ाम फिर से री एग्ज़ाम लिया गया 28 फरवरी को और फिर उसके बाद कोर्ट में केस होने के बाद युवा हमेशा दौड़ता रहा, कोर्ट के पीछे दौड़ता रहा, लेकिन फिर भी अंत में डिसीज़न आया कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया और फिर से उसको री एग्ज़ाम लिया जा रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं हमको लगता है कि बिहार के युवाओं के लिए सबसे सही और रहेंगे वो तेजस्वी प्रताप यादव रहेंगे और वो एक सही युवाओं के लिए एक सही चेहरा है जो हमारे बिहार के लिए बेहतर करेंगे। मान लीजिए तेजस्वी सरकार इस बार आ जाती है तो आपको उम्मीद है कि मतलब इस बार सत्ता में अगर तेजस्वी आ गए, CM बन गए, तो एकदम बिहार को एकदम बढ़िया रोजगार दे देंगे? देखिए किसी भी चीज़ का गारंटी नहीं किया जा सकता, लेकिन आदमी उम्मीद पे तो सब चीज़ टिका हुआ है, तो आदमी एक उम्मीद किया जा सकता है क्योंकि वो एक युवा चेहरा है तो जाहिर सी बात है कि वो युवाओं के लिए सोचेंगे। और आज युवा नेता तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव अच्छे लगते क्यों? क्योंकि वो युवा हैं, थोड़ा सबके लिए बेहतर है और आर्थिक स्थिति भी थोड़ा देखा जाए जहाँ तक अभी तो बेरोजगार भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, इसके कारण तेजस्वी अच्छे लगते हैं आपको? आपको तेजस्वी यादव, आपको भी तेजस्वी यादव अच्छे लगते हैं क्यों आपको? यहाँ पे बेरोजगारी मतलब बहुत है बिहार में, इसी कारण वो भी युवा ही हैं हम लोग के तरह, मतलब इसीलिए। कन्हैया कुमार अच्छे लगते हम तो अब उनके पास सुने हो, नाम सुने हो कन्हैया कुमार का? चिराग पासवान को जानते? हाँ हाँ। पुष्पम प्रिया चौधरी? नहीं हम उनको नहीं। पुष्पम प्रिया चौधरी को नहीं जानते और इन सब में तेजस्वी यादव अच्छे लगते? हाँ। आपका नाम? रोशन कुमार। क्या लगता है आपको कौन सा युवा नेता बढ़िया हो सकता है? देखिए नेता को तो हम कह नहीं सकते हैं कुछ, वेल एजुकेटेड जो आएँ, जो शिक्षा नीति को सुधार करें,
जो रोजगार को सुधार करे वही नेता बढ़िया है और वो उन्हीं को आना चाहिए। ठीक है ना, नाम तो किसी का लेना नहीं चाहेंगे क्योंकि अभी तक मुझे कोई नहीं बढ़िया लगा जी। नहीं, जो बढ़िया है आए और सारा चीज़ को सुधार करें। इस साल तो चुनाव होने वाला है, मान लीजिए अगर नीतीश कुमार को लोग नहीं चुनते हैं तो कौन सा चेहरा आए फिर सत्ता पे? अब देखिए, हम लोग के कहने से तो कुछ होगा नहीं, अब रिजल्ट वोट देंगे ना आप? हाँ, वोट तो देंगे। किसको? अब वोट देंगे तो पता चलेगा, कॉन्फिडेंशियल है वो। हाँ ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे कई सारे युवा थे जो अपनी अपनी राय रख रहे थे, इन सब के बीच में जो है तेजस्वी यादव काफ़ी लोकप्रिय जो है वो निकल के सामने आए। काफ़ी लोगों ने तेजस्वी यादव को जो है वो पसंद किया है और कह रहे कि तेजस्वी यादव अगर आएंगे तो बिहार की जो सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की वो शायद ख़त्म हो सकती है। कई लोग जो है वो अभी पुष्पम प्रिया चौधरी को नहीं जानते हैं, किसी किसी का पसंद कन्हैया कुमार भी हैं, लोग कन्हैया कुमार को बढ़िया नेता बता रहे हैं। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में बिहार का एक जो युवा चेहरा है या युवा नेता कौन निकल के सामने आता है। इन युवाओं की पसंद फिलहाल अभी तेजस्वी यादव है। इस तरह की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और अगर अब तक आपने हमारे पेज को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए और यूट्यूब पर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।